किसी ने मुझे कमेंट किया था, भाई इस बार थोड़ा सा अलग और यूनिक टाइप का शू लेके आओ। तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश किया, तो यहाँ पर देख सकते हो एक कैंपस की शू लेके आ चुका हूँ, जिसका बॉक्स काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड की बॉक्स यूज़ किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हो इसका पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन है, और कार्डबोर्ड की जो बॉक्स है ऑनलाइन डिलीवर होने की बात भी ठीक ठाक है। तो इसके लिए एक थम्स अप तो देना चाहिए, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है, तो इसलिए नहीं दूंगा। तो पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है तुम लोगों को पहले मैं बता देता हूँ। तो बहुत लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया कौन सा शू मैंने आज अनबॉक्सिंग या रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कैंपस लिखा हुआ है, और ये जो शू है मैंने UK 9 बाय किया था, और इसका जो MRP है 1399 रुपी। तो और इसका आर्टिकल नेम और आर्टिकल नंबर तुम लोग देख सकते हो। तो चलो अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने की पहले बता देता हूँ इसका जो MRP है इतना तुम लोगों को बिल्कुल भी पे नहीं करना होगा, तुम लोगों को अंडर 1000 में ये शू तुम लोगों को मिल जाएगा। तो चलो अब इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर देखो पर्पल कलर की एक शू बाय किया था, जो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली शू जो है ना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका जो पेपर देख सकते हो इस टाइप का पेपर, इसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना इस टाइप का कंपनी का ऊपर थोड़ी सी बैड इफेक्ट पड़ता है, तो जो सेलर है ना उसे थोड़ी बहुत ध्यान देना चाहिए इस तरह की चीज़ों की ऊपर भी। तो इसे भी मैं बॉक्स को कर देता हूँ साइड में। अब देखो शू शू का शू तो देख के लग रहा था काफ़ी ज़्यादा वेट होने वाला है, लेकिन सच में पकड़ते फील हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट शू है। और भी लाइट वेट कर देता हूँ। देखो इसका अंदर जो पेपर है इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस टाइप का जो पेपर है इसे एक्चुअली यूज़ किया जाता है शू का जो शेप है ना, शेप मेंटेन रखने के लिए इस टाइप का पेपर का यूज़ किया जाता है, जो एक काफ़ी अच्छा बात है। अब मैं इस शू की पेपर भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो चलो यहाँ पर देखो, और इस शू के ऊपर छोटा सा एक टैग भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोरी फॉर्म टेक लाइट। इसका जो इनर सोल है शायद उसका बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शू की जो कलर देख सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑन कलर ही देखने को मिल जाता है, यहाँ पर पर्पल कलर देखने को मिल जाता है, जो देखने में सच में क्या ही बताओ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और शू की जो फिनिशिंग का बारे में क्या ही बताओ, फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बात कर लेता हूँ शू का फैब्रिक का बारे में। तो देखो शू के ऊपर मैश फैब्रिक यूज़ किया गया है, और यहाँ पर छोटा छोटा होल्स देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर सामने की ओर थोड़ी सी बड़ी बड़ी होल्स देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी एक अच्छा पैटर्न फॉलो किया गया है, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस टाइप की होल्स तुम्हारी जो वेंटिलेशन में काफ़ी हेल्प करता है, तो वेंटिलेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर देखो एक कैंपस की काफ़ी अच्छा लोगो देखने को मिल जाता है, जो देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और देखो क्या ही बताओ, यहाँ पर एक प्लास्टिक पैज यूज़ किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, और इस टाइप पर कोई भी लोगो देखने को नहीं मिलता है। तो और शू की जो लेस है, लेस की बारे में भी बता देता हूँ ना, लेस भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, अच्छा क्वालिटी का लेस यहाँ पर देखने को मिल जाता है पर्पल कलर की। और यहाँ पर देखो लेस की जो होल है ना, होल के ऊपर मेटल रिंग यूज़ किया गया है। मेटल रिंग यूज़ करने से क्या होता है, शू काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। शू की टांग भी देख सकते हो, टांग के ऊपर यहाँ पर मैश फैब्रिक यूज़ किया गया है, और यहाँ पर कैंपस लिखा हुआ है ग्रे कलर से, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और टांग काफ़ी सॉफ्ट है, और टांग के पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं तुम लोगों को वो बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले UK 9 जो साइज़ लिखा हुआ है मैंने बाय किया था, और इसका पीछे देखो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। एक्चुअली बहुत लोगों को पता है कैंपस एक मेड इन इंडियन ब्रांड है, तो यहाँ पर लिखा भी है। और इसका जो कॉलर है ना, कॉलर भी काफ़ी सॉफ्ट सा कॉलर यूज़ किया गया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा फॉर्म का यूज़ किया गया है देख सकते हो, और कॉलर कट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देखो तुम लोग, और मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा था तो बहुत ही सॉफ्ट था, तो पहनने की बात तो गई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कॉलर के ऊपर एक टाइप का जो स्पोर्ट्स टाइप का एक फैब्रिक होता है वो यूज़ किया गया है, जिससे क्या होगा शू काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है इस टाइप का फैब्रिक यूज़ करने से। और शू की जो पीछे की लुक भी देख सकते हो, पीछे एक छोटा सा पुल टैब यूज़ किया गया है, वो जो देखने में काफ़ी अच्छा है, और इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। कि जो इनर सोल है, इनर सोल के बारे में तो यहाँ पर कैंपस मेमोरी फॉर्म टेक लाइट इनर सोल यूज़ किया गया है, जो कैंपस की जो मेमोरी फॉर्म होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो सब लोगों को पता ही है कैंपस की ज़्यादातर शू में मेमोरी फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ शू का जो सोल के बारे में, सच में सोल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि
की जो पैटर्न देख सकते हो यहाँ पर, एक टाइप का सेम टाइप का पैटर्न्स देखने को मिल जाता है। और इसका ऊपर देखो एक टाइप का लाइनी लाइनी पैटर्न यूज किया गया है। इससे क्या होगा, शू तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। और यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है पिलो फॉर्म, तो एक्चुअली जो पिलो फॉर्म लिखा हुआ है, शू का जो सोल है ना काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए शायद पिलो फॉर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पर कैंपस भी लिखा हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा बात है। और सोल की जो साइड की लुक देख सकते हो, साइड की लुक भी काफी अच्छा है और काफी हाई सोल यहाँ पर यूज किया गया है, तुम लोग देख सकते हो। और काफी दूर दूर तक एक कट लगा हुआ है, को मैं उंगली से प्रेस कर रहा था तो बड़ी आसानी से प्रेस हो रहा था, ये भी काफी अच्छा लगा। तो अब मैं इस शू को पहनूंगा, पहनने की बात कैसा लगता है ये भी तुम लोगों को बताऊंगा। तो इस टाइप की कॉन्टेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो मैं अब इसे पहनता हूँ। पहनने की बात कैसा लग रहा है ये तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। और अंदर मेमोरी फॉर्म भी यूज किया गया है तो काफी ज्यादा अच्छा लगा पहन के। सच बताओ उंगलियां रिलैक्स फील कर रहा था, पीछे भी ठीक ठाक था, कोई कहीं पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा इस शू में। तो देखो इस शू को तुम वॉकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और थोड़ी बहुत रनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और कैजुअली तो यूज़ कर ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा तुम कैजुअली यूज़ करते हो तो। और इसका सिर्फ एक कलर नहीं, बहुत सारी कलर अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में शू की जो लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा वहाँ पर जाके देख सकते हो अभी इसका प्राइस कितना है। और इस टाइप की कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो, और मैं कौन सी गलती करता हूँ तो मुझे उस चीज़ कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हो। तो वीडियो आज के लिए तो इतना ही है, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।